आज मैं आपको पीछे ट्रंक में लाइट इंस्टॉलेशन और उसकी वायरिंग के हवाले से आपको गाइड करूँगा। मैंने बैटरी से डायरेक्ट एक वायर खींच लिया जो कि मेरा यहाँ पे आया हुआ है। इससे मैं अब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस गाइड करता जाऊँगा कि किस तरह से मैंने पीछे इसमें जो ये लाइट है इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, और आप ट्रंक जो है उसमें आप अपनी लाइट को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके पूरे प्रोसेस को मैं आपको पूरा बताऊँगा कि आप किस तरह से इसमें आपने कनेक्शन करने। सबसे पहले ये बैटरी का मैंने पॉजिटिव निकाल ली है, अब इसमें मैं कनेक्शन बना देता हूँ और उसके बाद फिर बनाने के बाद मैं आपको दिखाता जाऊँगा मैं किस तरह से यहाँ से पूरे वायरिंग को पीछे लेके जा रहा हूँ और ले जाके मैं उसको फिर किस तरह से इंस्टॉल करता हूँ। बना ली है, अब मैं इसकी वायरिंग को पीछे की तरफ लेके जाऊँगा, तो वो सिलसिला अब जारी है। यहाँ से इसका ये स्क्रू निकाल लिया, ये इसका क्लिप निकाल के अब मैं इसकी वायरिंग को यहाँ से अंदर कर रहा हूँ ताकि ये कुल फिनिशिंग के उस पर आ जाए आराम से अच्छी सी, ताकि इसमें आपको कहीं पर भी वायर निकला हुआ दिखे ना। अभी वायरिंग मैंने शेड में से क्रॉस कर दिया है, अब मैं इसको पिलर में से गुजार के पीछे लेके जाऊंगा। पिलर क्रॉस करके यहाँ लिया है वो टेल पे, अब इसको लगा के ट्रंक में लेके जाना है, फिर मैं आपको वायरिंग के हिसाब से पूरा बता दूंगा। फिर आप देखें इसको वायर को क्रॉस कर लिया है और अब जो वायरिंग होगी सिलसिला वो मैं आपको पूरा बताऊँगा। इसमें कनेक्शन कर दिया है, जैसे आप ये देखें ये मेरी लाइट ऑन हो गई है और मैं चाहूँ इसमें ऑफ कर दूँ। अच्छा, ये जो है ये मैंने जो वायर छोड़ा है इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहें तो आप अगर डिग्गी में डोर स्विच लगाएं तो इसकी अपनी पर्सनल सेपरेट लाइट हो जाएगी, आप इससे आप डोर स्विच कनेक्ट कर दें और आप इसको सेंटर में रख दें तो जैसे डिग्गी ओपन होगी ये लाइट ओपन हो जाएगी। खैर मैंने इसमें सुराख करने के इतना ज़्यादा वो उसमें हक में नहीं हूँ, मैंने इसमें के अंदर सुराख किया, मैंने इसको पीछे जो है वायरों से कनेक्ट किया है और ये इसका पॉजिटिव वायर है जो इसमें पॉजिटिव आया है और नेगेटिव वायर ये मैंने खींच के यहाँ से इसको बॉडी को नेगेटिव कर दिया है। तो ये एक बहुत सिंपल और ईजी तरीका है कि आप ईजीली जो है आप इसमें लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यही चीज़ अपनी सेकंड दूसरी साइड पे भी जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर वायर खींच के, तो ये बहुत ईजी है। अगर आप एक लाइट की जगह दो लाइट लगाना चाहें तो आप सेम इसी तरीके से सेपरेटली एक और सेकेंड लाइट भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये दिखा दूँ इसमें रात में इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि ये जो रात में चल रही है तो इसे आप ये देखें आपकी टन पोर्शन होगी। आप चाहें तो आप ऑप्शनल है कि आप सेकंड तरफ भी लगा लें, लेकिन बहरहाल जो यहाँ पे ये लगी हुई उससे आपका ट्रंक जो है वो आराम से इजीली रोशन होगा ये, और आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो ये है इसका एंड रिजल्ट जो मैंने लगाई है स्विचिंग से, और ये बन किया ये बन।